समय राजस्थान में घूम रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से बीएसपी का चुनाव प्रचार चलता है। मैं आज रैलियां आपको बहुत दिखाता रहता हूं, ग्रामीण इलाकों में किस तरह से बीएसपी की पकड़ है वो दिखा रहा हूं। मैं ये बीएसपी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामगीर जी गौतम, वो भरतपुर के गांव में आए हैं और ये सिनवार ये जो प्रताप सिंह महरावर कैंडिडेट हैं और विधानसभा डिग है, डिग कुम्हेर विधानसभा है, और वहाँ के तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार चलता है उसको दिखाने की कोशिश है मेरी। और ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर को जिस तरह से वहाँ फ्यूजन जो मेरे दिमाग में भी था वो आज क्लियर हो रहा है। ये कैंडिडेट हैं, जाट समुदाय से हैं और उन्होंने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी को राजस्थान में या देश के तमाम हिस्सों में लोग आके कहते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट दलितों की पार्टी है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये गरीबों की पार्टी है। और समझिए कि ये बहुजन समाज के लोग को समझना पड़ेगा, टैक्टिकल होना पड़ेगा कि किस तरह से बीएसपी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस जो है वो सभी लोगों को कम प्रतिनिधि दे के वोट ले लेती है, लेकिन उसका लीडरशिप सवर्णों के हाथ में रहता है। उसी तरह से अगर बीएसपी में सवर्णों को टिकट मिलता है, सवर्ण नेता हैं, लेकिन उसकी लीडरशिप जो है वो बहुजनों के हाथ में रहेगी। ये बहुजन समाज को सोचना चाहिए और इसलिए मैं ये नया कंसेप्ट है, मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊँगा, बात करूँगा और ये प्रचार भी सुना रहा हूँ आपको। रहा पूरे राजस्थान में देखा, चमन बना हुआ है और यहाँ पर देखा है हमारे डिग कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है। और माननीय काशीराम जी की मैंने किताबें पढ़ी, बहन जी की किताबें पढ़ी, माननीय काशीराम जी ने भी अपनी आईएफएस की नौकरी बड़ी अच्छी नौकरी थी वो भी छोड़ करके अपने समाज के लिए काम करने का काम किया, उन्होंने भी नौकरी से त्याग पत्र दिया। और माननीय काशीराम जी की प्रेरणा से बहन जी से भी कहा मान्यवर साहब ने कि बहन जी आप आईएएस बन करके समाज की सेवा नहीं कर सकती, आप तो राजनीति में आओ, जन कितने 100, 200, 500 आईएएस आपके नीचे काम करेंगे। तो उन्होंने भी नौकरी नहीं करने का प्रण लिया और समाज की सेवा में आए। मैं भी सरकारी अध्यापक पद पर था, मैंने उन दोनों की प्रेरणा लेकर के मैंने भी कहा कि प्रताप सिंह तुम भी समाज की सेवा और अपने भाइयों की सेवा नहीं कर पाओगे, अपने विधानसभा क्षेत्र की नौकरी में रहते हुए सेवा नहीं कर पाओगे, तो मैंने भी नौकरी से त्याग पत्र दे करके आपके बीच में हूँ, आपकी सेवा के लिए आया हुआ हूँ, जन सेवा का मानस लेकर के आपके बीच में आया हूँ। मैं आपसे वायदा करता हूँ महिलाओं के लिए पानी की समस्या को मिटाऊंगा, यहाँ पर किसानों की फसल को आवारा गाय खा जाती है, बड़े विडम्बना का विषय है, इलाज नहीं हुआ, इलाज का मतलब है आपकी समस्याएं नहीं हल हुई दोनों पर, आपको तीसरा डॉक्टर ढूंढने की जरूरत है और तीसरे डॉक्टर के रूप में बहुजन समाज पार्टी और यहाँ से प्रताप सिंह महरावर आपके सामने है। आपको सोचना है, समझना है, आपका समस्याओं का हल निकालना है, तो आप बहुजन समाज पार्टी के हाथ मजबूत करो, अपने भाई बेटे आपके बीच में रहने वाले प्रताप सिंह महरावर के हाथ मजबूत करो। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि आपके जो भी काम होंगे, आज भी जिस तरह से आपके मैं पैर छू करके आपका आशीर्वाद ले रहा हूँ, मान सम्मान कर रहा हूँ, प्रताप सिंह महरावर विधायक बनने के बाद भी अपनी सरदारी के जनता के कुर्सी से खड़ा होकर के पैर छू करके आपका अभिवादन करेगा, आपका मान सम्मान करेगा। यहाँ की लोकल समस्याओं को मैं जानता हूँ, गरीब घर से हूँ, किसान परिवार से हूँ मैं, यहाँ चाहे महिलाओं के पीने की पानी की समस्या हो, सबसे बड़ी गंभीर समस्या है जिसके बारे में महाराज कृष्ण सिंह जी बार बार झूठ बोलते हैं कि मैं अब की बार जरूर पानी ला दूंगा, 30 साल से बहका रहे हैं, अब उनके बहकाने में आपको नहीं आना है, पानी कभी नहीं ला सकते लोग, वो केवल महलों तक सीमित रहते हैं, विधानसभा में कभी बोलते नहीं। जब आपका विधायक विधानसभा में आपकी बात नहीं रखेगा तो आपकी समस्याएं हल नहीं होंगी। आपको महलों में सोने वाले व्यक्ति की जरूरत नहीं है, आपको जनसेवक की जरूरत है, आपके बीच की समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को, मजदूरों की समस्याओं को, महिलाओं की समस्याओं को,
युवाओं की समस्याओं को सभी को विधानसभा में ऊंची आवाज में आपकी बात रख सके, उठा सके, ऐसे आपके जनसेवक की जरूरत है। आप डॉक्टर शैलेश सिंह को अगर सुनते हैं तो वो जयपुर रहता है, 4000 की गाड़ी करके ले जानी पड़ेगी आपको, 4000 खाने खर्चे के खर्च करने पड़ेंगे, 8000 में आपकी यात्रा होगी। क्यों आप 8000 में अपनी यात्रा करें? आप केवल 10 रुपए के किराए में कुम्हेर तक पहुंच सकते हो। पैदल पैदल मेहराबर 2 किलोमीटर बगल में, आप पैदल चल करके मेहराबर पहुंच सकते हो। अपना जनसेवा कैसा बनाए जिसके पास निःशुल्क पहुंच सके, आपको गाड़ी घोड़ा करने की जरूरत नहीं, आपको ठेकेदारों के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं उन्हें, और आपको उनकी ललकार फटकार खाने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा जनसेवक सुनो जिनको ढूंढना नहीं पड़े, कहां ढूंढ के बोले, उनकी ललकार फटकार नहीं खानी पड़े। आप हिम्मत करके मुझसे तो कह सकते हो कि भाई प्रताप सिंह आपको हमने वोट दिए हैं, आपसे हमारा ये काम है करो। आप हिम्मत करके, मेरा घर खुला रहता है हर समय, गरीबों का हितैषी हूँ। इसका उदाहरण ये है, मेरे पिताजी एक बार पंचायत समिति कुम्हेर के प्रधान रहे, 4 बार सरपंच रहे, 2 बार मेरी पत्नी सरपंच, 1 बार पत्नी पंचायत समिति सदस्य, 7-7 बार आप लोगों ने जिता करके भेजा है हमें। तो अगर बलवंत आप नहीं होती है तो दूसरी बार भी सरपंच नहीं बनाते हैं, आपको पता है। मेरे कामों के भी आपको पता है, मेहराबर पंचायत में जिस तरह से काम कराए आपको बिल्कुल पता है। पूरे भरतपुर जिले में नंबर 1 की पंचायत मेहराबर हमने हमेशा रखी थी विकास कार्यों के। इसलिए यहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हमको जानना पड़ेगा आखिर ये वोट क्या चीज है और इस वोट से क्या हो सकता है। ये वोट से शास्त्री बाबा साहब ने कह दिया कि हमने आपको इस देश को चलाने के लिए संविधान दे दिया है, रूल रेगुलेशन बना दिया है, नियम कानून बना दिया है, लेकिन आपको इस देश की तरक्की को करना है। अगर आपको चाहते हैं कि इस देश की तरक्की हो और गरीबी इस देश से खत्म हो, अशिक्षा इस देश से खत्म हो और यहाँ पे जो भाईचारा कायम हो जाए, तो इसके लिए आपको अपने वोटों से इस देश का राजा चुनना पड़ेगा। क्या होगा? अपने वोटों से इस देश का राजा चुनना पड़ेगा। आप बैठ जाइए, चलो डिस्टर्ब कर रहे हैं। अपने वोटों से आपको इस देश का राजा चुनना पड़ेगा और जो राजा होगा वही आपके लिए इस देश में काम करेगा साथियों, ऐसा काम वही करेगा साथियों। इसलिए साथियों, इसलिए इस वोट की इम्पोर्टेंट है कि इससे पहले आपने देखा इतिहास हमने पढ़ा है। अरे बैठ जा, माँ का चुना है, अरे एक बच्चा गिर गो तो उठा लियो, बस बैठ जा भैया। इससे पहले आपने देखा इस देश में राजा और महाराजा बनने के लिए आपस में युद्ध हुआ करते थे, होता नहीं था, जंग हुआ करती थी, हजारों सैनिक शहीद होते थे, आपस में कट मर जाते थे, तीर तलवार भाले चलते थे। किस लिए? पावर के लिए, सत्ता के लिए। लेकिन बाबा साहब ने कह दिया कि हम आपको सत्ता देकर जाएंगे और सत्ता के रास्ते बना कर जाएंगे, अगर आप हमारी बात को मानोगे और हमारे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो इस देश के राजा बन जाओगे। और उन्होंने कहा कि आपको सत्ता पाने के लिए अब आपको तलवार नहीं चलानी, क्योंकि आप कमजोर हो, आप तो कमजोर आदमी हो, तो आप तलवार भी नहीं चला सकते, आप बल्लम भी चला सकते हो, तीर तराजू भी चला सकते हो, आपको बंदूकें भी नहीं है, बंदूक भी चला सकते, इसलिए आपके पास सिर्फ वोट है, इसी वोट से आप इस देश के राजा बन सकते हो। इतनी ताकत हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको दे दी कि आपको अपने वोट के अधिकार से ही इस देश में जो आपके ऊपर हरेसमेंट हो रहा है, इस देश में जो अन्याय हो रहा है, जो आज तक सामाजिक न्याय नहीं मिला है, इसी वोट के माध्यम से आप इस हासिल कर सकते हो। लेकिन इसके लिए मेरे बताए हुए रास्ते में चलना पड़ेगा, अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बाबा साहब ने हमको उपदेश दे दिया कि आप शिक्षित बनो, पहला कहानी का आप शिक्षित बनो, अगर आपके घर में 2 वक्त की रोटी है तो आप 1 वक्त की रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करो, अपने बच्चों को शिक्षित करो। माने कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और दूसरी बाबा साहब ने बात कही कि संघर्ष करो, आपको संघर्ष करना है, आपको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और संगठित भी रहना पड़ेगा इस देश में राजा बनने के लिए।
अगर आप संगठित नहीं होगे तो कभी भी आप इस देश के राजा नहीं बन सकते। साथियों देखिए, आपने संघर्ष किया, 2 अप्रैल को आपने देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे संवैधानिक कवच को, जो सुरक्षा कवच था SC ST Act 1989, उसको खत्म किया, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से खत्म किया। लेकिन हमारे देश के नौजवान साथियों ने, हमारे देश के अंदर जो युवा साथी थे, नौजवान साथी थे, समस्त बौद्ध समाज के साथियों ने इस देश में नीला सैलाब लेकर आ गए। 2 अप्रैल को पूरे देश में नीला सैलाब हुआ, उसके सामने इस सरकार को घुटने टेकने पड़े और सरकार को अध्यादेश लाकर के द्वारा बहाल भी करना पड़ा। ताकत किसकी थी? ये हमारे संगठित होने की ताकत थी कि हम संघर्ष कर सकते हैं और संगठित हो गए तो इस देश का राजा भी बन सकते हैं। तो इसलिए साथियों, जो बाबा साहब का जो सपना था कि बहुजन समाज पार्टी को 49,999 वोट मिले, तो इसके मतलब एक एक वोट की वैल्यू है और एक एक वोट जो है वो माननीय बाइन जी के खाते में जाता है और उनकी ताकत बनता है। उनकी ताकत बनता है तभी विश्व के आज तमाम चिंतकों ने बोला है कि इस देश के अंदर जो लीडर हैं, महान लीडर हैं, वो मान्या बहन जी उत्तर प्रदेश से आते हैं और जो दलित समाज से आते हैं, विश्व की शक्तिशाली महिला लीडर हैं। विश्व की शक्तिशाली महिला लीडर करती हैं, जिनको देखने के लिए, सुनने के लिए लोग लाखों लाखों की संख्या में बैठते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के लोग जब आते हैं तो उनको पैसा बांटते हैं कि आप मेरी रैली में आ जाओ, बोलते ही होते हैं आप मेरी रैली में जाओ। लेकिन बहन जी को देखने के लिए, बहन जी को सुनने के लिए आप लोग अपनी साइकिलों से, अपनी मोटरसाइकिलों से, जहां भी जैसा मिलता है बहन जी को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। यही तो प्यार है बहन जी के लिए, है कि नहीं साथियों? इसलिए साथियों, इसको बरकरार रखना है, कहीं से कोई गलती नहीं करनी है। 6 तारीख को हम बाबा साहब का पंडिता दिवस मनाएंगे, 6 तारीख को बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहते, 6 दिसंबर को बाबा साहब का पंडिता दिवस है, उस दिन हम कसम खा लेंगे कि बाबा साहब जो आपका अधूरा सपना है वो राजस्थान में 7 तारीख को पूरा कर देंगे, अपना वोट डाल के बहुजन समाज पार्टी को, जिसे आपने खोज लिया। और पहला काम करिएगा, पहला काम आपका होना चाहिए कि आप घर में चाय मत पीजिएगा, आप चाय मत पीना, सुबह 6 बजे अपने फोटो आईडी लेकर के सीधे लाइन में पहुंच जाना जहां से आपको राजा बनना है, और वोट डालने के बाद चाय पीना करके साथियों, और देख लेना 11 तारीख को 11 बजे आप इस प्रदेश के राजा बन जाओगे। जय भीम, जय भारत। सबसे पहले वहाँ डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरों को पुष्प अर्पित करते हैं, सम्मान दिखाते हैं, सम्मान करते हैं, उसके बाद भाषणों का दौर शुरू होता है। तो एकदम ग्रामीण इलाकों में किस तरह से प्रचार प्रसार होता है, ऐसे समय में जब टेलीविज़न अखबार के जरिए पार्टियां चुनाव लड़ती है, BSP अभी भी ग्रामीण इलाकों में है और उसके बुजुर्ग जो हैं वो आते हैं और इस तरह के जनसभाएं को, छोटी छोटी जो सभाएं हैं उसको करते हैं, और युवाओं की बहुत भागीदारी है। तो राजस्थान कैसे बदल रहा है, बहुजन कैसे बदल रहे हैं, ये दिखा रहा हूँ कि देश भर में किस तरह से बहुजन समाज के लोग जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं। वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको, महिलाएं घरों से निकली हैं, छतों पे बैठी हुई हैं, और BSP का चुनाव प्रचार का ये अपना एक तरीका है, और ग्रामीण इलाकों में उनका मास वोट है, वोट है, इसलिए वो इधर आते हैं, युवाएं हैं है? तो आप लोग क्या लग रहा है इस बार क्या होगा राजस्थान में? बोलिए। बढ़िया हो रहा है जो हो रहा है। किसको वोट देंगे आप? प्रताप सिंह को। क्यों? हमारे गांव के आसपास। टीवी अखबार वाला तो दिखाता है कि यहाँ सिर्फ कांग्रेस BJP है। क्यों? आधी वोट हमारे गांव से आधी वोट है। हाँ, जीत जाएगी BSP। जीत जाएगी। हाँ, जीत जाएगी क्यों नहीं? सर आपके पूरे पूरे चांस लग रहे हैं कि BSP सरकार बनेगी सर? तो देखिए, जो युवा लोग हैं वो बहुत वोकल नहीं हैं, और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो टेलीविज़न अखबार है वो गांव में आता है और लोग उससे प्रभावित होते। तो आप लोग टीवी देख के नहीं लगता ऐसा कि कांग्रेस BJP ही जीतेगी सिर्फ? नहीं सर, ऐसा आपके नहीं लगता है, क्योंकि BSP सरकार के आपके वोट बहुत ज़्यादा है। दोनों सरकार धोखा दो चुकी हैं। तो ग्रामीण इलाकों में जागरूकता आई है, ग्रामीण जो मास वोटर है BSP के, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, शहरों में लगातार परिवर्तन की बात होती है, लेकिन जो मास वोटर है BSP का, बहुजन समाज का, वो ग्रामीण इलाकों में है। अगर ग्रामीण इलाकों में BSP के कैडर मजबूत होते हैं, उनकी पार्टी मजबूत होती है, और ग्रामीण इलाकों में सामाजिक जागरूकता आ जाए, तो BSP एक बड़ी पार्टी है कैडर के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। और मैं एकदम सुदूर भरतपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट टाउन है,
उससे 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर करीब करीब दूर हूँ और ग्रामीण इलाकों में बीएसपी की पहुँच बन रही है, तो ये पार्टी के लिए मजबूती है, अच्छा संकेत है और उसके लोग हैं। तो क्या लग रहा है इस बार बीएसपी जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी साहब। तो ग्रामीण इलाकों, लेकिन आप जो शहर वाले लोग हैं वो तो टीवी अखबार देख के सिर्फ कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी है। वो बीजेपी ने साहब अखबार मीडिया खरीद रखी है ना। तो आपके ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति है? बढ़िया, बहुत बढ़िया स्थिति। आप क्या करते हैं? मैं सर खेती करता हूँ। तो क्या मतलब इस बार कांग्रेस बीजेपी के अलग भी लोग वोट कर रहे हैं? बिल्कुल सर, अब की बार सर कांग्रेस देख लिया, बीजेपी को देख लिया। कई बार 30 साल से यही पार्टी चल रही है, कुछ काम नहीं हो रहा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है सर, रोजगार का कोई साधन नहीं है। खंजर ना है भाई, पानी नहीं पी रहे, सारे पानी पी रहे, आर ओन पर 5,000 दो दो 3-3 किलोमीटर पे पानी का कोई साधन नहीं है। 30 साल से इनने तो किनाई कोई काम देखो ना, 5 साल गई, 5 साल में अब आए, ये है कंडीशन। तो टेलीविजन पर आपको लगातार शहरों से ये जीतेगी नेताजी को खड़ा करा के डिबेट करा दिया जाता है, कोई टेलीविजन अखबार वाला भी नहीं आता आप लोगों से राय पूछने? नहीं, कोई आज तक नहीं आया सर, पीने मतलब कोई आज तक आया नहीं, कोई नहीं आता है। वैसे वो कहें खरंजा और बिनकी साहब, आज तक कोई गुना है, और फिर न्याय के नहीं बिन में रिपोर्ट आ जाए, फंस और जाए आदमी नंबर। रेडियो टेलीविजन अखबार वाला आता है कि नहीं है? कोई नहीं, कोई नहीं अखबार तो पांच में हमें बे नहीं करते इस काम को, नहीं करते एजेंट आते ऐसे कर देते। तो ये एक बड़ी बात है, जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में लोग बदल रहे हैं और गांव के लोग अगर बीएसपी के सपोर्टर हो जाए, जो कि बहुसंख्यक आबादी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का गांव में रहता है, अगर वो बदल जाए तो क्या होगा भाई? इस बार किसको वोट देंगे? नहीं बोलना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या समस्या आप लोग? ले लीजिए वोट, बताओ वोट देंगे या जो मन बाबा वोट बताया जाए करेगा? ऐसा बताया जाए वोट कौन देंगे? ये देखिए वोट बताया नहीं जाता। अच्छा, दिक्कत तकलीफें क्या है वो बताएंगे? गांव की समस्या बताओ, कोई अपनी समस्या बताओ, समस्या बताओ। चलिए ये अच्छा है। और लोग देखिए कि टेलीविजन अखबार वाले कैसे सर्वे निकालते हैं मुझे नहीं पता है। हाँ मैं आ रहा हूँ। ओके, तो ये बुजुर्ग लोग हैं, ये कह रहे हैं कि वोट बताया नहीं जाता है। तो जो वोट को लेकर सामाजिक जागरूकता जो है वो यहाँ तक तो आ ही चुकी है, और ये टेलीविज़न अखबार वाले कैसे सर्वे कर लेते हैं ये समझ में नहीं आता है। और ये देखिए जो बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनको साफा बांधा जा रहा है, नीला किस्म का, नीला झंडा वाला जो साफा है। खैर ये सब चलता रहता है, मेरी रुचि अलग चीज़ों को जानने में है, युवा लोग हैं। तो आप कहाँ रहते हैं भैया? हम चौकीपुरम रहते हैं, मतलब इसी इलाके के लोग? नहीं, हम कुमेर के पास। अच्छा, तो क्या बीएसपी को लेकर जागरूकता बढ़ रही है लोगों में? हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ग्रामीण इलाकों में क्या हालत है? बीएसपी अब के पार है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ग्रामीण इलाकों में अगर बीएसपी पहुँच रही है, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा जो वोटर हैं वो ग्रामीण इलाकों में हैं, तो वो एक बड़ी बात है। और अगर ग्रामीण इलाकों में जागरूकता आती है, बहुजन समाज के लोग जागरूक होते हैं, SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, तो एक बड़ी सफलता होगी और फिर वोट के रूप में तब्दील होगा। क्या करते हैं आप? मैं भी रिटायरमेंट हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा यहाँ? बदलाव होगा, प्रताप सिंह जीत लिए। हाँ जी, क्यों जिताना चाहते हैं प्रताप सिंह? इनका काम वैसा, व्यवहार वैसा ठीक है इनका, लेकिन टीवी अखबार में तो, शहर में हम लोग दिल्ली रहते हैं, लगता है कि कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस है। कांग्रेस नहीं, बीजेपी जीतेगी। हाँ जी, ये देखिए उम्मीद डीग से प्रताप सिंह जीतेंगे। हाँ, यहाँ से बीएसपी जीतेगी। हाँ जी, बाकी जगह बीजेपी जीतेगी। हाँ, कांग्रेस नहीं जीतेगी। कांग्रेस मुश्किल है। आप क्या करते हैं भैया? क्या कह रहे हैं? खेती करते हैं। तो क्या इस बार कांग्रेस बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? नहीं, प्रताप सिंह जी। क्यों? बढ़िया आदमी हमारे इलाके के। अच्छा, तो इलाका वाला ही फैक्टर है। तो ग्रामीण इलाकों में जो है वो मीडिया की पहुंच नहीं, अखबार की पहुंच नहीं है। बीएसपी रणनीति के तहत ग्रामीण इलाकों में काम कर रही है, और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से लोगों में जागरूकता, यह युवा जो है वो जग रहे हैं। और इस तरह से अगर ग्रामीण वोटों पर अगर बीएसपी की पकड़ मजबूत होती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कैडर के हिसाब से बीएसपी जो है वो बड़ी पार्टी है, और ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से मजबूत हो रही है,
शहरों में वो प्रचार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस बार गांव में प्रचार पर ध्यान दे रहे हैं जहां टीवी अखबार की पहुंच नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो बहुजन समाज के जो कैडर वोटर हैं वो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और वहाँ भी इसकी फोकस कर रही है। और इसलिए आपको बता रहा हूँ कि चौंकाने वाले नतीजे होंगे। ये ग्रामीण के लोग हैं, ये मेरे साथिया जी का स्वागत सम्मान करें। तो ये देखिए एक चुनाव प्रचार का एक अलग तरीका है। ग्रामीण इलाकों में बीएसपी फोकस कर रही है और उसे पता है कि शहर से ज़्यादा उसका जो मास वोटर है वो ग्रामीण इलाकों में है, तो वो ग्रामीण इलाकों में फोकस कर रही है और वहाँ उसे समर्थन मिल रहा है। ये टीवी अखबार से गौण है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से सामाजिक जागरूकता आई है उस हिसाब से आपको 11 दिसंबर को चौंकाने वाले नतीजे मिल सकते हैं, क्योंकि जो ग्रामीण इलाका है गांव के अंदर अंदर जो है वहाँ लोग जो हैं वो बीएसपी को पसंद कर रहे हैं, बीएसपी के कैंडिडेट को पसंद कर रहे हैं और बीएसपी ने बेहतर तरीके से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है और इस वजह से जो है वो काफ़ी संख्या में लोग से जुड़ रहे हैं। तो ग्रामीण इलाकों में आपका ज़्यादा जोर है आप लोग का, एक स्ट्रेटजी है कि चूँकि आपका मासेज मतलब मैसेज ज़्यादातर वोटर आपके ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। मोस्टली हमारे जो वोटर हैं वो सभी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। हमारा जो मेन होता है कि हम लोग ग्रामीण इलाकों को जरूर छुए, मतलब वहाँ जरूर जाए। प्रताप सिंह बराबर जो बहुजन समाज पार्टी के प्रणामी सर, यहाँ के लोकल हैं, कितने बीएसपी का आधार वोट गांव में है, ग्रामीण इलाकों में है? ग्रामीण में हमारा जो आधार वोट है प्रत्येक विधानसभा में 30 से 35 हजार तक है, जो हमारा फिक्स है, जो हमेशा पड़ता है, हमेशा पड़ता है, है? अच्छा, उसको ऐड करना है किसी है? किसी दूसरे समाज से, मतलब एससी एसटी वाला वोट ऐड ऑन हो जाए तो आप लोग जीत रहे हैं। ये जिला अध्यक्ष हैं भरतपुर के, तो ग्रामीण इलाकों में आप ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। और देखिए ये कैंडिडेट हैं बीएसपी के, जय भीम। तो जय भीम, तो आप लोग ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि आपके मैसिव वोटर वहीं हैं। हम ग्रामीण इलाकों में भी कर रहे हैं और हमारे दो कस्बा भी पड़ते हैं उनमें भी कर रहे हैं। यहाँ का मैं लोकल प्रत्याशी हूँ, अन्य प्रत्याशी जो मेरे सामने लड़ रहे हैं वो हमारे विधानसभा क्षेत्र के बाहर के रहने वाले हैं। बीएसपी ने कार्ड मुझ पर खेला है कि स्थानीय को हम लड़ाएंगे यहाँ से। और हमारे टीवी अखबार में जो चपेट है कि कांग्रेस बीजेपी बीजेपी कांग्रेस है, उससे लोगों को निकालने में वो तो जनता समझ सकी, मीडिया तो बेकार हुआ है। टीवी अखबार वाले केवल जो मोदी पैसे खर्च करता है अखबार में वही चलते हैं, उनको पैकेज। हाँ, कांग्रेस भी खर्च कर रही है, बीजेपी भी अपनी, बसपा तो केवल जनता के पैसे से चुनाव लड़ती है, जो अपने कार्यकर्ता हैं वो ही बहन जी को पैसा देते हैं, उनसे ही चुनाव लड़ते हैं, उनसे ही सारी व्यवस्था होती है, पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है अपनी। तो देखिए बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली है और रैलियां तो बड़ी बड़ी होती हैं बीएसपी की, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जो वोटर हैं उनके उस पर वो ध्यान है। ये खास स्ट्रैटेजी है इस बार राजस्थान में कि ग्रामीण इलाकों में फोकस करना है। फोकस कर रहे हैं हम लोग वहीं पे, हमारी जो रणनीति थी हम लोग अभी नेक्स्ट जो हमारे पास टाइम बचा है वो जो हमारा वोटर जो बेस है वहाँ पे जरूर जाएं और उन लोगों को समझाएं। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, ठीक है, आप लोग अपना कार्यक्रम करते रहिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जय भीम। अरे 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 नहीं, आपसे मैं बहुत प्रभावित हूं। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। अच्छा, तो आप गुस्सा में कहाँ हैं? नहीं नहीं सर, आपसे गुस्सा होने में, आप दलित के बहुत महान। अच्छा बताइए क्या होगा इस बार आपके? 100% राजस्थान में बसपा की सरकार बनेगी और इसके बगैर कोई भी सरकार नहीं बन सकती है। चलिए विश्वास कर लेता हूँ, ग्रामीण इलाकों में जो है वो लोगों की रीच बढ़ी है और बीएसपी जो है ग्रामीण इलाकों में फोकस कर रही है। अगर ग्रामीण इलाकों में जो सबसे ज़्यादा एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी के लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, अगर वहाँ वो कंसंट्रेट कर लेती है, वहाँ वो मैसिव टर्नआउट करा लेती है वोटर्स की, तो आपको चौंकाने वाले नतीजे मिलेंगे। तो बीएसपी ने पूरी तरह से स्ट्रैटजी बदली है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो बीएसपी के मजबूत होने की वजह है जो सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं, जिस तरह से 2 अप्रैल हुआ उसके बाद जो जागरूकता आई है उसकी वजह से उसके जो बहुजन समाज के लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं और वो ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। और बीएसपी अगर ग्रामीण इलाकों में कैटराइज कर लेती है, अपने समर्थकों को समझा लेती है, जिसका कांग्रेस बीजेपी फ़ायदा उठाती है, तो बीएसपी एक बड़ी पार्टी पहले से ही है कैडर बेस और उसकी स्ट्रैटजी बदली है, तो ग्रामीण इलाकों में बीएसपी की लोकप्रियता ज़्यादा है। और ये सारी खबरें आपको टेलीविज़न अखबार में नहीं मिल सकता है क्योंकि अमूमन पत्रकार डिस्ट्रिक्ट टाउन तक भी नहीं आते हैं, वो बड़े बड़े स्टेट कैपिटल में ही नहीं बड़े बड़े शहरों में आते हैं।
मेरी कोशिश है आज दिन भर आपको ग्रामीण इलाकों से खबरें दिखाऊंगा कि गांव में जो देश भारत का जो जो ज़्यादातर आबादी है वो गांव में बसता है वहां क्या चल रहा है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हो सकता है कि इस बार चौंकाने वाले नतीजे होंगे उसकी यही वजह है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, भरतपुर। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।